हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौ माता की जय। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो आपका प्रश्न है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विचारणीय भी है। मैं यथासंभव प्रयास करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने, जो आपका जिज्ञासा है उसका उत्तर दूँ। आज जो गौशालाओं में गौ माता की स्थिति है, ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति है और बहुत ही कई बार दयनीय स्थिति देखी जा सकती है। विशेष तौर पे तब जब गौ माता या गौ वंश बीमार हो जाते, चोट लग जाती है या फिर उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, ऐसे स्थिति में उनकी सेवा या उनके लिए जो दवाइयां है, अस्पताल है, डॉक्टर है, इसकी सुविधा नहीं होती और गौपालक भी इसके लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो गौ माता बिचारी अनेक दिनों तक, हफ्तों महीनों तक उसी अवस्था में पड़ी रहती है और कभी कभी तो उनका देखभाल के अभाव में, दवाइयां नहीं मिलने के अभाव में, ठीक से उनका इलाज नहीं होने के अभाव में वो अपना जीवन ही समाप्त कर देती है, जो कि काफ़ी दयनीय, काफ़ी दुख का बात है, काफ़ी एक दयनीय गौशाला की स्थिति को दर्शाता है। और ये बड़े ही दुखदायी स्थिति रहती है जब गौ माता गौ वंश तरफ तरफ के गौशालाओं में गौ पालकों के सामने अपना दम तोड़ देते हैं और जो गौ रक्षक है, गौ पालक है, गौशाला चलाने वाले जो लोग हैं, जीव है, वो उनका उचित व्यवस्था, उचित देखभाल नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसे भी देखा जाता है कि गौशाला तो अनेक है लेकिन इनके लिए ना तो अस्पताल है, ना डॉक्टर है और ना ही कोई दूसरी व्यवस्था है। बड़े बड़े गौशालाओं में ऐसी व्यवस्था होती है लेकिन उनका छोटे गौशाला के साथ कोई भी प्रकार का आपसी तालमेल, समझौता या उनके साथ भेदभाव, या कभी कभी तो उनके पास आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होती कि वो बड़े अस्पतालों में जा सके या दूर दराज ले जा करके उनका इलाज करा सके और वो ठीक हो सके। कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि गौशाला चलाने वाले लोग अनेक प्रकार के सामाजिक उत्सव करते रहते हैं और जिसमें काफ़ी लक्ष्मी धन जो गौ सेवक लोग हैं, जो गौ माता से प्यार करते हैं, जिनका गौ माता में निष्ठा है, सेवा की भावना है, काफ़ी धन गौशालाओं को देते हैं। इसमें अनेक प्रकार के सामाजिक उत्सव या माहौल बनाए जाते हैं लेकिन वह धन भी गौशाला तक सही कई बार नहीं पहुंच पाता है। ये बड़ा ही दुख का विषय है, बड़ा ही दुखदायी स्थिति है। ऐसे शास्त्रों का कहना है, संतों का कहना है कि गौ माता के नाम पे अगर कोई धन इकट्ठा करता है और उस धन को गौ सेवा में नहीं लगाता है, गौ वंश की सेवा में नहीं लगाता है, उनकी देखभाल और उनकी रक्षा नहीं करता है, वो जीव अनेक जन्म तक नरक को प्राप्त होता है। बावजूद इसके आज ऐसी स्थिति काफ़ी संख्या में देखी जा सकती है जहाँ पे गौ माता की और गौ वंश की दशा बहुत ही दयनीय है, एक प्रकार से दुर्दशा की स्थिति में रहते हैं। साफ सफाई का अभाव रहता है, भरपूर चारा और उनके देखभाल का अभाव होता है, रखरखाव का अभाव होता है और बीमारी और इलाज के लिए तो लगभग शून्य की स्थिति बनी रहती है। वहाँ पे बीमारी और इलाज के लिए न दवाइयाँ होते हैं, न डॉक्टर्स होते हैं। तो इस प्रकार की जो चलन है, व्यवस्था है गौशाला के लिए,
ये चिंता का विषय है और हजारों हजार लोग गौ रक्षा गौ सेवा के नाम पे दुनिया भर में समाज से धन इकट्ठा करते हैं जो कि गौशाला में फल फूल नहीं रहा है ऐसे प्रतीत होता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप में उनकी दशा देख सकते हैं और उनकी दुर्दशा देख सकते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी से, उन गौ सेवकों से, गौ रक्षकों से, गौ पालकों से जो गौशाला चला रहे हैं, गौ माता की सेवा के नाम पे अनेक प्रकार से धन इकट्ठा करते हैं, कि आप उनकी देखभाल, बड़े ही सुंदर वो माता है और उनके शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है, वो पूजनीय है। गौ माता सुरक्षित है तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, ऐसे हम सुनते आते हैं, कहते आते हैं, लेकिन प्रामाणिक तौर पे उनकी जो स्थिति है वो दयनीय है। तो सभी गौपालकों, गौ रक्षकों, गौ सेवकों से निवेदन है कि गौ माता के लिए किया गया धन, इकट्ठा किया गया धन गौ माता की सेवा में लगाइए। अगर वो अन्य किसी सेवा में जाएंगे उसके परिणाम बहुत ही घातक नरकगामी बनाता है जीव को। तो डरिए गौ माता से और इस प्रकार के कार्यों से, और गौ माता की सेवा तन मन धन से करिए, उनके बीमारी का, उनके इलाज का, उनके चिकित्सा का हर प्रकार से ध्यान रखिए। गौ माता प्रसन्न रहेगी तो आप प्रसन्न रहेंगे, समाज और देश प्रसन्न होगा और हम बहुत ही आनंद के साथ, शांति के साथ अपना जीवन बिता सकेंगे। तो मैं सभी गौपालक, गौ सेवक, गौ रक्षकों से निवेदन करूंगा कि आप अगर इस काम में अपने आप को लगाए हुए हैं तो बढ़ चढ़ करके लगाइए, इसको एक व्यवसाय या फैशन की तरह मत कीजिए, इसको अपने धर्म, अपना जीवन और ये भक्ति का भी एक प्रमुख अंग है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोपालक थे और भगवान श्री कृष्ण ही भक्ति के माध्यम से हमें अपना प्रेम और धाम प्रदान करते हैं। तो गौ सेवा अगर हम निष्ठापूर्वक, सच्चाई के साथ, बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ऊंचाई के साथ, सफाई के साथ और शरणागति के साथ करेंगे तो हम सबका भक्ति जीवन बहुत ऊंचा होगा, भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे और हमें अपना प्रेम और धाम प्राप्त करेंगे। तो पुनः एक बार निवेदन कि गौ माता की सेवा, रक्षा, उनका पालन, लालन, साफ सफाई, चिकित्सा सभी प्रकार से ऊंचे रीति से कीजिए। जो धन आप इकट्ठा कर रहे गौ सेवा के लिए गौ सेवा में लगाइए, अन्यथा ये धन आपको पाप गामी बना देगा, नरक गामी बना देगा और जीवन के मुख्य उद्देश्य से हटा करके आपको एक नीचे की योनी में डाल देगा। तो ये स्थिति बहुत ही भयानक है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है और हमें इसको बहुत ही ऊंचे रीति से करने का एक परंपरा शुरू करना है, संकल्प करना है, ताकि हम गौ माता को आनंद दे सकें और गौ माता आनंद में रहेगी तो हम सब भी आनंद में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौ माता की।